कैसे हैं बच्चों छोटू? ठीक है। तो देखिए, आज आप लोग 25 तारीख को आज टेस्ट भी होने वाला है, तो आप टेस्ट अच्छा से दे दिए होंगे, हमको पूरा विश्वास है। छोटू बाबू, अब देखते हैं हम लोग को आज पढ़ना है मियोसिस फर्स्ट, हमने पिछले क्लास में बताया था, और मियोसिस सेकेंड, क्योंकि मियोसिस हम लोग पढ़ रहे थे, और मियोसिस जो होता है वो दो पार्ट्स में कम्प्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा था कि एक सेल जो था हमारा स्पोर्मेटोगोनिया या ओगोनिया सेल, उसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद दो सेल बन गया था, और दोनों जो होता है वो हैप्लोइड सेल होता है। तो ये जो दोनों हैप्लोइड सेल है छोटू बाबू, ये मियोसिस में जो मियोसिस टू शुरू हो रहा है, और मियोसिस फर्स्ट के बाद जो दो सेल बना है, मियोसिस फर्स्ट के बाद जो दो सेल बना है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे एक सेल से चार सेल बन जाता है, और कैसे मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जैसे स्पोर्मेटोगोनिया सेल में 46 क्रोमोसोम था, और डीएनए कंटेंट 4C हो गया था क्योंकि वो इंटरफेस से गुजरा था, तो 46 क्रोमोसोम था, तो वो सारा क्रोमेटिड्स के रूप में था ना छोटो, सब डुप्लीकेट हो गया था ना, तो 46 क्रोमोसोम था। तो कैसे मियोसिस फर्स्ट के बाद ये दो हैप्लोइड सेल बना, हैप्लोइड सेल कहने का मतलब कि दोनों में 23-23 क्रोमोसोम हो गया, दोनों में कितना क्रोमोसोम हो गया, 23-23। आप देख रहे हैं, इसको डायाड ऑफ सेल बोलेंगे। मियोसिस फर्स्ट के बाद जो दो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, डायाड। डायाड का मतलब दो, टू हैप्लोइड सेल को डायाड बोलते हैं, डायाड ऑफ सेल मतलब टू हैप्लोइड सेल। तो ये हैप्लोइड सेल मियोसिस फर्स्ट के बाद बना, दोनों में क्रोमोसोम जो होगा वो 23-23 होगा, लेकिन इस एन में वाला जो 23 है ना छोटो, ये एन बराबर जो 23 है ना, ये 23 क्रोमोसोम तो है, लेकिन ये प्रत्येक क्रोमोसोम अपने दो क्रोमेटिड्स के रूप में है, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में जो दो सेल में 23-23 क्रोमोसोम आया था, वो छोटू बाबू होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन से आया था, वो क्रोमेटिड्स की स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, वो क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुआ था, बस होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गया था, 23 क्रोमोसोम एक में और 23 क्रोमोसोम एक में, इसमें 23 आ गया, इसमें 23 आ गया। ये कैसे आया? तो ये छोटू बाबू आया वो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेपरेशन से ना, फेज 1 में, इसीलिए 23 क्रोमोसोम है, लेकिन 23 क्रोमोसोम अपने किस रूप में, क्रोमेटिड्स के रूप में। तो 23 क्रोमोसोम है दो क्रोमेटिड्स के रूप में, हिंदी में लिख रहे हैं, दो क्रोमेटिड्स प्रत्येक क्रोमोसोम में छोटो, ये समझना है कि प्रत्येक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होगा, दो क्रोमेटिड्स प्रत्येक क्रोमोसोम में, ये 23-23 है, तो प्रत्येक क्रोमोसोम में ऐसे ये एक दो 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 क्रोमोसोम है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब कि क्रोमेटिड्स के रूप में होगा, देख रहे हैं ना, एक दो। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि मियोसिस फर्स्ट के बाद जो डायाड ऑफ सेल वाला एनसीईआरटी लिखता है, इसको डायाड ऑफ सेल मतलब टू हैप्लोइड सेल, और ये जो डायाड ऑफ सेल है, अब ये छोटू बाबू इसमें आप जानते हैं कि मियोसिस टू होगा, लेकिन मियोसिस टू होने से पहले इंटरफेस टू होगा छोटू, लेकिन इंटरफेस टू की यहाँ बहुत खासियत है कि यहाँ पे जीवन तो होता है एस, लेकिन नहीं होता है, मतलब कि अब इसमें डीएनए का कंटेंट नहीं बढ़ेगा, 23 क्रोमोसोम है अपने क्रोमेटिड्स के रूप में, तो उतना ही रहेगा, डीएनए में क्रोमोसोम में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं, डीएनए का रेप्लिकेशन मैंने आपको कहा था ना कि दो बार कैरियोकाइनेसिस, दो बार साइटोकाइनेसिस, लेकिन एक बार डीएनए का रेप्लिकेशन, जो कि मियोसिस फर्स्ट के पहले है। यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन कुछ नहीं बनेगा, मतलब क्रोमोसोम जैसे 23 क्रोमोसोम है अपने दो क्रोमेटिड्स के रूप में, प्रत्येक क्रोमोसोम वैसे ही रहेगा, क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं होगा, यही तो मियोसिस की खासियत है छोटू बाबू। लेकिन G2 भी होगा, क्योंकि ऑर्गेनल तो अब जैसे ये दो सेल है, तो दो से चार बना है ना, ये इससे दो बन गया, इससे दो बन गया, तो दो से चार बना, तो सारा क्रोमोसोम में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेल ऑर्गेनल तो बाबू डबल करोगे तभी तो उसमें जाएगा, एक से दो बनेगा तो सब चीज होगा, तो क्रोमोसोम तो में कोई बदलाव नहीं, लेकिन ऑर्गेनल वगैरह सब चीज होगा, सारा चीज होगा। तो अब ये इंटरफेस हुआ, तो इंटरफेस टू हुआ, तो उसके बाद ये आप देख रहे हैं इंटरफेस टू में ये सारा जो क्रोमोसोम है, देख रहे हैं ना, अब ये खुल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये रिलैक्स हो रहा है, तो ये पूरा खुल गया है, जाल की तरह हो गया है। उसके बाद प्रोफेस टू शुरू होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मियोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस, तो ये प्रोफेस टू होगा, तो प्रोफेस टू में उसी तरह से माइटोसिस की तरह से आप देख रहे हैं कि ये ऐसे था, तो देख रहे हैं ना ये क्रोमेटिड्स के रूप में दिखना शुरू हो रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन शुरू हो गया इन लेट प्रोफेस टू, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोल्यूशन स्टार्ट, लेट प्रोफेस टू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसोल्यूशन जो होगा वो शुरू हो जाएगा, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, जैसे ही प्रोफेस टू अंतिम कगार पे जाएगा तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोल्यूशन शुरू हो जाएगा, फिर न्यूक्लियोलस ईआर गोल्गी बॉडी डिसअपीयर इन लेट प्रोफेस टू, प्रोफेस टू जैसे ही खत्म होने वाला होगा, तो आप जानते हैं कि इसका मैंने आपको माइटोसिस में बताया था, माइटोसिस ही ये चल रहा है छोटो, ये
मियोसिस टू इज जस्ट लाइक माइटोसिस, मियोसिस टू बराबर आप माइटोसिस लिख सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है इसमें। तो ये आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोलस ईआर गोल्गी बॉडी डिसअपीयर इन लेट प्रोफेज टू। लेट प्रोफेज टू में आप जानते हैं कि ये सब गायब हो जाता है क्योंकि वो चेंज हो जाता है। सेंट्रोसोम आर गो टू अपोजिट पोल, सेंट्रोसोम जो होगा वो अपने अपोजिट पोल पे चला जाएगा। सेंट्रोसोम जो होगा वो देख रहे हैं ना कि अपोजिट पोल पे जाने लगा, क्योंकि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम था उसका डुप्लीकेशन तो आप जानते हैं कि छोटो बाबू हो जाता है, उसका डुप्लीकेशन तो आप जानते हैं कि वो एस फेज में ही हो जाता है, तो वो हो ही गया, वो तो वहाँ वहीं पे हो गया छोटो बाबू, वो पहला वाला जो हुआ तो वहीं पे हो गया था, यहाँ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे हो गया है आप देख रहे हैं। तो उसी तरह से छोटो ये सब चीजें अपोजिट पोल पे चला गया है। उसके बाद मेटाफेज टू में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो गया है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स ऑफ टू क्रोमेटिड्स आर क्लियरली विजिबल, दोनों क्रोमेटिड्स अपना क्लियरली विजिबल हो रहा है। मेटाफेज तो बेस्ट स्टडी होता है क्रोमोसोम का, क्योंकि क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड्स पूरी तरह से दिखता है, तो यहाँ पे दोनों दिख रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। क्रोमोसोम्स अरेंज्ड एट मेटाफेजिक प्लेट बाय स्पिंडल फाइबर ऑफ सेंट्रोसोम, यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर से आप देख रहे हैं मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेजिक प्लेट पे आप देख रहे हैं कि अरेंज हो गया है। उसके बाद एनाफेज टू आता है, एनाफेज टू में आप जानते हैं कि छोटू क्या होता है कि एनाफेज टू में ये जो होता है यहाँ दिख रहा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम अकर्स, सेपरेटेड क्रोमेटिड्स नाउ बिहेव एज सिंगल क्रोमोसोम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्रोमेटिड्स ये दोनों क्रोमेटिड्स अब ये सेपरेट कर जाएगा, ये सेपरेट यहाँ से कर जाएगा, तो ये सेपरेट कर गया तो ये ऊपर चला गया। तो यही तो खासियत है कि एन बाई सी ऊपर एन बाई सी, इसका मतलब एनाफेज टू में जो क्रोमोसोम टोटल होगा वो 46 हो जाएगा छोटू, ये सीखना है, क्योंकि ये दोनों क्रोमेटिड्स जब अलग अलग होगा तो 23 ऊपर 23 नीचे, समझ रहे हैं, 23 ऊपर क्रोमोसोम चला गया 23 नीचे चला गया क्योंकि क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो गया। और देखिएगा ये 23 एक सेल में चला जाएगा, ये एक सेल में चला जाएगा। आपको लगना चाहिए था कि सर मियोसिस टू में फिर दो सेल से फिर दो सेल, और जैसे दो सेल बनता है तो इससे भी दो बन जाएगा, इससे भी दो बन जाएगा, तो कैसे क्रोमोसोम बराबर रहेगा, तो कैसे बराबर रहेगा, यही सब अलग हो जाएगा तभी तो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एन बाई सी ऊपर एन बाई सी ऊपर नीचे, क्योंकि ये क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो गया है, इसीलिए सेपरेटेड क्रोमेटिड्स नाउ बिहेव एज सिंगल क्रोमोसोम की तरह। तो आप ये सेपरेटेड क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे चला गया है क्योंकि स्पिंडल फाइबर वो अपने तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है तो ऊपर चला गया। उसके बाद टेलोफेज टू में उसी तरह से 23 क्रोमोसोम जो ऊपर गया 23 नीचे आया, तो वो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस सब चीज जो गायब हुआ था वो दिखने लगेगा, कि टेलोफेज जो होता है वो प्रोफेज वन का अपोजिट होता है, मैंने आपको माइटोसिस में पढ़ाया था, तो वही दिखा रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस ईआर एंड गोल्गी बॉडी सब चीज दिखने लगेगा। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस टू होगा छोटू, अब साइटोकाइनेसिस टू होगा तो फिर देखिएगा कि यहाँ से ये कट जाएगा तो एक सेल से फिर दो सेल बन गया, और यहाँ से ये कट जाएगा तो फिर देखिएगा एक से दो सेल बन गया। इस तरह से मियोसिस टू कंप्लीट होता है और चार फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाता है, जिसमें क्रोमोसोम कितना रहता है स्पर्मेटोगोनिया में मान लीजिए ओगोनिया में 46 रहेगा, तो ये हैप्लॉइड सेल में 23 रहेगा, वहां डीएनए का कंटेंट 2C रहता है तो यहाँ सी रहेगा। तो ये समझना है छोटो कि n बाई 2C था, तो फिर इसे जो दो सेल बना वो कैसे उसमें भी 23 क्रोमोसोम हो गया, यही सीखना है, क्योंकि सारा क्रोमोसोम अपने क्रोमेटिड्स के रूप में था, एक एक क्रोमोसोम अलग अलग हुआ, एक एक क्रोमोसोम जो एक क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड्स अलग हुआ तो वो उससे दो क्रोमोसोम बन गया, तो 23 था तो 23 से 46 हो गया, दो सेल में 23 बढ़ गया, ये सीखना है। तो व्हाट इज, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनाफेज 1, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में क्या डिफरेंस है? तो एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में ये डिफरेंस है कि यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, लेकिन एनाफेज 2 में क्रोमेटिड्स जो दोनों होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, और दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाता है, तो इसमें क्या होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन, लेकिन यहां पर क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, यही दोनों इंपॉर्टेंट है।
और ये होमोलोगस क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है, इसलिए 46 से 23 23 क्रोमोजोम हो जाता है। और एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, इसलिए 23 क्रोमोजोम से 46 क्रोमोजोम बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट दोनों, यही इसने जो पकड़ लिया वो सारा चीज पकड़ लिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मियोसिस खत्म होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस छोटू अगर आप देखिएगा तो ये इंटर है हम, मियोसिस का अगर आप सिग्निफिकेंस देखिएगा तो आप देखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का जो सिग्निफिकेंस है, पहला तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये स्पेसीज टू स्पेसीज में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट रखता है। छोटू बाबू आप जानते हैं कि पेरेंट में 46, गैमेट्स में 23 और फिर दोनों गैमेट्स मिलता है तो 46। इस तरह से पेरेंटल जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम जो है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पीसीज। ये स्पीसीज में जैसे हम लोग मनुष्य जाति हैं, तो मनुष्य जाति में हमसे हम अगला पीढ़ी जो आएगा तो उसमें क्रोमोसोम कांस्टेंट रहेगा। तो ये कैसे होता है मियोसिस से, क्योंकि मियोसिस में जो गैमेट्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाता है और फिर दो गैमेट्स मेल और फीमेल मिलते हैं तो जो बच्चा बनता है उसमें 46। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ कांस्टेंट ऑफ क्रोमोसोम इन स्पीसीज। दूसरा जो होता है छोटू बाबू, इससे वेरिएशन आता है और वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। तो मियोसिस क्रिएट्स वेरिएशन, And variation leads to evolution. और variation से आप जानते हैं कि evolution हो जाए। अब meiosis में variation आने का कारण क्या है? तो एक मैंने आपको पैकेटिंग में क्रॉसिंग ओवर बताया था कि क्रॉसिंग ओवर में जो दोनों क्रॉस होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन का एक्सचेंज हो जाता है, उसके कारण रिकॉम्बिनेशन बनता है। मम्मी और पापा का क्रोमोसोम देखते हैं कि आप वो मिक्स हो जा रहा था, इधर उधर एक्सचेंज हो जा रहा था। और मैंने आपको मेटाफेज 1 में बताया था कि उसमें आप जानते हैं कि वो क्या हो जाता है कि रैंडम अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स मैंने आपको बताया था, वो दोनों अलग अलग कंडीशन में होता है, वो आप जेनेटिक्स में सीखेंगे। तो दो ऐसा मुद्दा है, एक है छोटू बाबू क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस में पूछेगा कि कौन ऐसा घटना है जिससे ये वेरिएशन होता है, तो एक क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है और क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन बनता है। और एक दूसरा जो मेटाफेज में होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। तो ये दो कारण होता है छोटू बाबू, तो ये दो कारण होता है, ये क्लियर होगा जेनेटिक्स में, ये दो ऐसे कारण होते हैं जिससे होता है, ये होता है पैकेटिन स्टेज में और ये होता है प्रोफेज 1 ऑफ पैकेटिन और ये जो होता है मेटाफेज 1। और आपको एक टर्म मिलेगा मियोसिस जब आप पढ़िएगा, तो पर से पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब कि ये बातें तो सच है लेकिन विरोधाभास लगती है कि कैसे छोटो पेरेंट से जो गैमेट्स बन रहे हैं उसमें कैसे क्रोमोसोम हाफ हो जा रहा है। ये बात सच है लेकिन लगता है कि विरोधाभास, मतलब कि लगता है कि गलत है, बातें सच है लेकिन वैसे पैराडॉक्स का मतलब होता है सच बात है लेकिन लगे कि नहीं ये सच नहीं है, मतलब कि लगे कि झूठा है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ तो हो जाता है गैमेट्स बनते समय मियोसिस में, लेकिन ये बात कुछ झूठी टाइप की है। पर से पैराडॉक्स का मतलब वही होता है कि सच है लेकिन लगे झूठा है कि कैसे हो गया विरोधाभास, कि कैसे ये हाफ कैसे हो जाएगा, हो तो रहा है हाफ, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जा रहा है मियोसिस फर्स्ट में, तो ये सच है लेकिन लग रहा है कि विरोधाभास टाइप का है, इसलिए इसको पर से पैराडॉक्स एक टर्म लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा। इस तरह से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है।
और मैंने आपको माइटोसिस में बता ही दिया था कि वो माइटोसिस में अगर कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस नहीं हो तो किस तरह से वो इंडोस्पर्म वाला बात हो रहा था, न्यूक्लियस बढ़ रहा था, साइटोकाइनेसिस नहीं बढ़ रहा था, तो उसको सिंसिटियम कंडीशन मैंने आपको बताया था। और एक पॉलीप्लॉयडी का भी कंसेप्ट आता है छोटो बाबू, दो सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम हो जाता है तो उसको हम लोग पॉलीप्लॉयडी बोलते हैं। और पॉलीप्लॉयडी भी वही, आप जानते हैं कि कारण वही था कि वो क्रोमोसोम का कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था, तो इसके कारण। और एक और आप देखिएगा कि आर्टिफिशियल पॉलीप्लॉयडी होता है, माइटोसिस में एक टर्म छूट गया था। आप जानते हैं कि एक माइटोटिक स्पिंडल जो बनता है उसका एक, आप जानते हैं कि एक कोल्चिसिन होता है, टैबलेट्स होता है, अगर हम किसी प्लांट पे कोल्चिसिन हम दे दें तो उसका जो स्पिंडल का स्पिंडल फॉर्मेशन उसमें नहीं होगा, तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम तो डबल होगा लेकिन वो सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो आप जानते हैं कि पॉलीप्लॉयडी से हो जाता है, इससे क्रोमोसोम का नंबर एक ही सेल में बढ़ने लगता है, तो उसका नाम है कोल्चिसिन। तो कोल्चिसिन याद रखिएगा, ये क्या होता है कोल्चिसिन, क्या होता है ये, किस स्पेसीज से निकलता है, कॉल्चिकम एटम, कॉल्चिकम स्पेसीज से एक प्लांट होता है, कॉल्चिकम स्पेसीज वाला एक प्लांट होता है, उसी से ये निकलता है छोटू, उससे कोल्चिसिन निकलता है। और ये कोल्चिसिन जो होता है वो स्पिंडल को क्या करता है, नहीं बनने देता है, स्पिंडल ब्रेकर है ये, तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होने देता है कोल्चिसिन, और इसके कारण देखिएगा कि पॉलीप्लॉयडी कंडीशन जनरेट हो जाता है, मतलब कि अब क्रोमोसोम तो डबल हुआ लेकिन अलग हो ही नहीं रहा, तो एक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम बढ़ते जाएंगे, बहुत सारा सेट्स बढ़ते जाएगा, उससे पॉलीप्लॉयडी कंडीशन हो जाता है। तो स्पिंडल ब्रेक होगा तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन नॉट अकर्स, तो स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो इससे पॉलीप्लॉयडी होगा। आप जानते हैं कि पॉलीप्लॉयडी का मतलब होता है एक क्रोमोसोम में, एक सेल में बहुत सारा सेट, मैंने आपको बताया था दो सेट रहेगा तो डिप्लॉयड, एक सेट रहेगा तो हैप्लॉयड, और दो से ज्यादा हो जाए तो पॉलीप्लॉयड। तो पॉलीप्लॉयड क्यों हो रहा है, वही एक तो कारण है कि साइटोकाइनेसिस हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, उसे भी पॉलीप्लॉयडी हो जाता है, बहुत सारा सेट हो जाता है। और एक कारण है छोटू बाबू कि ये कोल्चिकम प्लांट से कोल्चिसिन टैबलेट निकलता है, और ये अगर आप किसी पौधा पे छिड़क दीजिएगा तो उसे आप देखिएगा कि वो एक सेल में बहुत सारा सेट्स हो जाता है, स्पिंडल ही नहीं बनेगा, खिंचाएगा ही नहीं, स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो जो क्रोमेटिड्स है वो अलग नहीं होगा, दो क्रोमेटिड्स, तो एक ही सेल में बहुत सारा क्रोमोसोम्स का सेट हो जाएगा। तो पॉलीप्लॉयडी का फायदा भी होता है, पॉलीप्लॉयडी से प्लांट्स का जो वो सारा चीज़ जो होता है, आपको पॉलीप्लॉयडी जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा कि लीफ वगैरह का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, सारा फ्रूट्स ज़्यादा वगैरह आने लगता है, लेकिन उसका घाटा भी है, ठीक है। ट्राईवैलेंट्स वगैरह बनता है, टेट्राप्लॉयड और जो होता है ट्राईप्लॉयड जो प्लांट्स होता है उसमें आप देखिएगा कि वो गैमेट्स इनफर्टाइल बन जाता है, तो इसका कुछ घाटा भी होता है। तो पॉलीप्लॉयडी में आपको डिटेल से बताया जाएगा, इतना जानिए कि कोल्चिसिन से स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है जिससे पॉलीप्लॉयडी कंडीशन आता है। थैंक यू। अब इसके आगे की जो बातचीत छोटू है, इसके आगे की बातचीत हम लोग थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब हम लोग हार्मोन्स पढ़ लेंगे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के क्लास में हार्मोन्स हम खत्म करेंगे, उसके बाद थर्ड चैप्टर जो 12 का हम लोग का चल रहा था, ये दोनों की जरूरत थी इसीलिए हमने आपको इसको खत्म किया है, और देखेंगे तो इसका एक न्यूमेरिकल क्लास हम ले लेंगे, उसके बाद हार्मोन्स पढ़ाएंगे, उसके बाद छोटू बाबू हम लोग थर्ड चैप्टर में जाएंगे रिप्रोडक्शन वाला। चलिए, थैंक यू।